हेलो फ्रेंड्स, टेढ़ी मेढ़ी बातों में मैं देव धीमन आपका दोस्त आपका होस्ट एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत कर। तो दोस्तों, आज हमारे इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक बेहतरीन मशहूर अदाकारा ज्योति यादव। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान ज्योति यादव जी से। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू देव जी फॉर दिस इंटरव्यू। ज्योति जी, हमारे शो टेढ़ी मेढ़ी बातों में आपका स्वागत है। ज्योति जी, मेरा आपसे टेढ़ी मेढ़ी बातों में एक सीधा सवाल, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है, आपकी इतनी ऊंचाई है उसके बावजूद आप किस ऊंचाई पर पहुंचना चाहती हैं? थैंक यू फॉर नाइस कॉम्प्लीमेंट देव जी। जैसा कि आपने पूछा, मैं बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहती हूँ। और कितनी तो जिंदगी में हर इंसान ना अपने जो भी स्तर पे होता है, हमेशा उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक लेवल और अप ही जाए, राइट? तो देखते हैं जिंदगी हमें कितनी ऊंचाई पर लेके जाती है, हम बस कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस ज्योति जी। तो चलिए आइए हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टेढ़े मेढ़े सवाल। तो ज्योति जी, टेढ़ी मेढ़ी बातों के सेगमेंट में मेरा आपसे पहला सवाल और हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि हमने सुना है कि आप मजाक मजाक में इंडस्ट्री में आ गई थी, क्या राज है, क्या बात है इसके पीछे? इसके पीछे कुछ ऐसा राज नहीं है। हालांकि मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू बी आर्मी ऑफिसर, राइट? बट उसके जब भी मैं प्रिपरेशन कर रही थी आर्मी में जाने के लिए, तो उस टाइम पीरियड में मुझे इस इंडस्ट्री से ऑफर मिला है फिल्म का, जो कि आपने कहा पी से प्यार एफ से फरार, तो उसका ऑडिशन दिया एंड उसके बाद मुझे ये फिल्म मिल गई। तो कहीं जाना था और कहीं से कहीं आ गई, तो बस यहीं से शुरू हुई इस इंडस्ट्री की जर्नी मेरी। तो दोस्तों, देखा आपने, ज्योति जी का प्यार था मिलिट्री में जाना, लेकिन वो वहां से फरार होकर आ गई बॉलीवुड इंडस्ट्री में और इन्होंने पहली फिल्म स्टार्ट की अपनी जिसका नाम ही था फर्से प्यार फर्से फरार। तो चलिए अब इनसे अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आपकी पहली सुपरहिट मूवी पी से प्यार फर्से फरार, तो अभी आपकी क्या सिचुएशन है, प या फ? तो ये प और फ दोनों में कहीं नहीं जाना फिलहाल तो। तो दोस्तों, ये थे हमारे टेढ़ी मेढ़ी बातों के सेगमेंट के कुछ चटपटे सवाल जिनका दिया ज्योति जी ने बहुत ही शानदार जवाब। देव भैया, बहुत परेशान हो गया, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। सुनिए ना, हमारा पतंगा लटका हुआ, कुछ उपाय करिए ना मालिक। आप क्या कर रहे हैं? अरे तुझे दिख नहीं रहा, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। अच्छा, इंटरव्यू ले रहे हैं? अरे ज्योति जी बैठी सामने यार, पहचाना नहीं इनको? ओ फसे प्यार फसे फरार। तो सुनिए ना, हाँ गाइड अच्छी खासी है, इनको बोलिए ना तुमको डंडा की जरूरत नहीं पड़ेगा, उतार देगी। तू अभी जाए, बाद में निकाल देते। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है, इंटरव्यू इंटरव्यू चल रहा है। ए पापा, इंटरव्यू चल रहा है तो क्या हुआ? तू अभी बस एक सेल्फी ले ले, तेरी सेल्फी से बहुत सारी पतंग उड़ जाएगी तेरी। नहीं हां, समझ गए, जल्दी ले और निकल यहां से। मैडम, मेरे को पतंग उड़ा दीजिए ना। हां आप सर जी, बिल्कुल कर देंगे, कर देंगे। तो हम एक सेल्फी ले लेते आपसे। हां मित्र साहब बन गया, पौसे प्यार पौसे। चलो जा पड़ा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आप लोगों के साथ अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चाय की चुस्की, और इसमें हम ज्योति जी के साथ चाय शेयर करते हैं। प्लीज चाय लीजिए। तो ज्योति जी, चाय की चुस्की में मेरा आपसे पहला सवाल, पहले तो ये बताइए हमारी चाय कैसे लगी? अमेजिंग, थैंक यू। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इंडस्ट्री में किसकी जगह लेना चाहती हैं? मैं किसी की जगह लेना नहीं चाहती पहली बात तो, क्योंकि मैं खुद अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। किसी की जगह लेकर के क्या मजा, अपनी जगह बनानी चाहिए ना। ये वाकई बहुत एप्रिशिएबल जवाब दिया आपने, और वाकई हर इंसान को अपनी जगह बनाने का बनानी बुरा ही कोशिश करनी चाहिए। दूसरे की जगह लेकर किया तो क्या किया, क्या किया फिर, तो आप कॉपी हुए। चलिए हमारा दूसरा सवाल आपसे, तेरी बेवफाई सॉन्ग जो आपने किया था, उसमें आपने अपने प्रेमी के साथ में प्रेम किया और दूसरे मॉडल के साथ में आपने फ्लर्ट किया। तो आप कॉलेज के जमाने से मतलब डिश करना आपने शुरू कर दिया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, राइट? अभी आप रियल लाइफ में कुछ होते हैं तो रियल लाइफ में नहीं होते हैं, आप वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं जो कि आपको डायरेक्टर का ऑर्डर पे कहा जाता है, राइट?
और रही बात मेरी लाइफ में ये डिच करना और ये लव लाइफ एंड ऑल, तो आपको पता है कि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमेशा से स्कूल टाइम भी जाना आना, पर्टिकुलर वो प्रोटोकॉल, आर्मी ऑफिसर्स, यू नो, यूनिफॉर्म, SLR, LMG लेकर के जाना आना, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कॉलेज में कि कोई मुझ पर ट्राई भी करे. एग्जैक्टली. सो ट्रू. तो हमारा अगला सवाल आपसे ये, आपका जो फर्स्ट शॉट एक्सपीरियंस था, अभी रिसेंट मूवी आपने जो किया फर्स्ट प्यार फर्स्ट फरार, उसमें आपने जिमी शेरगिल जी के साथ काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? जिमी शेरगिल सर, एक तो वो इतने सीनियर एक्टर हैं, राइट, एंड इवन सभी उसमें सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं, सिर्फ मैं ही थी जो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम प्ले कर रही थी, राइट. आई वॉज वेरी नर्वस कि मेरा फर्स्ट शॉट जो है वो ही इतने सीनियर आर्टिस्टों के साथ में है, एंड मैंने तो क्या मेरी पूरी खानदान में कभी किसी ने ये सिनेमा और यहाँ तक का कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस इंडस्ट्री में होंगे और इतने यहाँ तक आ पाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ स्क्रीन पर देखते थे, और जब आप ऐसे लोगों को सिर्फ टीवी या स्क्रीन या थिएटर में देखते हैं और फिर जब उनके साथ सामने से काम कर रहे होते हैं, उनके साथ खड़े होके, तो ऑफकोर्स आप थोड़े नर्वस तो हो ही जाएंगे, राइट. बट वो एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग होता है, एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड प्लस इतना डाउन टू अर्थ, इतने सीनियर आर्टिस्ट होने के बाद कोई एटीट्यूड नहीं, इवन उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया, इतना कुछ चीजें ऐसी थी जहां मुझे कुछ चीजें नहीं पता थी, तो उन लोगों उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है उस फिल्म के दौरान, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में सीखा समझा, और काफी मजा आया उन लोगों के साथ काम करके, नो डाउट. तो एज ए सीनियर उन्होंने आपको एज ए मेंटर काफी हेल्प किया. सो ट्रू, सो ट्रू. हमारा अगला सवाल आपसे ये कि हमने सुना है कि आप बार्गेन करने में बड़ा बिलीव रखते हैं, इवन यहाँ तक सुना है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग जब करती हैं तो उस पर डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद भी आप बार्गेन करती हैं. इट्स अ जोक, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, आपको गलत न्यूज मिली. नहीं नहीं, बिल्कुल सही न्यूज मिली है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि मुझे मेरी छोटी सिस्टर है जो उसको ये सब करना काफी पसंद है, वो उसको कोई भी प्राइस ठीक भी होगा ना, बट शी लव टू डू बार्गेनिंग. एंड आप अगर दिल्ली साइड से होंगे तो दिल्ली के लोगों को तो मैं बताना चाहूंगी, वो तो काफी वाकिफ होंगे कि वहां पे बिना बार्गेनिंग के लोग तो शॉपिंग करते ही नहीं है, राइट. तो आई लव टू डू, बट जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तो उसके बाद ना ये एक्टर के नेम के साथ, मैम आप तो एक्टर हैं, आप तो हीरोइन हैं, उसके बाद तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं. मतलब दे दीजिए आप तो बस इतनी. बट इट वाज जोक, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली, आई डोंट डू बार्गेनिंग एंड ऑल. चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ. ज्योति जी, हमने सुना है कि आप शूटिंग करती हैं, मतलब इनफैक्ट आप शार्प शूटर भी हैं, आपने मिलिट्री से ट्रेनिंग ली है, तो क्या आपको मतलब आप जानते थे कि किसी दिन आप शूटिंग में भी आकर शूटिंग करेंगे? अभी आपको इस इंडस्ट्री में मौका मिलता है बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने का, तो जो मैं करना चाहती थी यहाँ पर, उसके साथ साथ सारे कैरेक्टर, सारे विशेष ड्रीम्स, आप इस यू नो एक्टिंग लाइन के थ्रू सब, कभी आप कॉप होते हैं, कभी आप किसी की वाइफ होते हैं, कभी आप किसी की बेटी होते हैं, यू नो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, आपको इस इंडस्ट्री के थ्रू हर एक लाइफ जीने का मौका भी मिलता है, लाइक कभी बिजनेस वुमेन समथिंग, यू नो. तो एंड रही बात शूटिंग की, तो या आई कैन ऑपरेट SLR, LMG एंड ऑल, आई हैव डन NCC एंड ऑल, आई गॉट ट्रेनिंग बाय आर्मी, यस, सो या, सो बी केयरफुल. अच्छा, हमारा आपसे एक सवाल और था जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, फर्स्ट से प्यार फर्स्ट से फरार में इन्होंने कई बार गन्ने का जूस पिया है, तो हम हमारी ऑडियंस बस ये जानना चाहती कि वो गन्ने का जूस वाकई में रियल था कि वो भी रियल था. ओह माय गॉड, अभी मुझे याद है जितना कि जब हम मथुरा में शूट कर रहे थे, वो गन्ने का जूस टेक पर टेक हो रहे थे, एंड उस टाइम पर वो मुझे हर बार गन्ने का जूस पीना पड़ रहा था, तो पी पी करके पूरा यू नो मेरी उस टाइम पर तबीयत भी खराब हो गई थी, बिकॉज आप कितना भी पियेंगे थोड़ा बहुत हो ही जाता है, हो ही जाता है, राइट. एंड वो वाकई मुझे पीना था, शॉर्ट ही यही था कि मुझे बहुत ज्यादा गन्ने का जूस पीना है उसमें, एंड उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी शूट पे, इतना गन्ने का जूस पिया मैंने मथुरा में. तो आपने तो जो एक्टर थे उनके, उनको आपने काफी सारा क्रेडिट भी दिया था, 3,000-4,000 समथिंग, उस हिसाब से तो आप डिजर्व करती थी कि आपको 30-40 ग्लास तो मिल जाए कम से. आप पूरी फिल्म देख के आए लगता है. हाँ बिल्कुल. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तड़के वाले सवाल. हम इसमें ज्योति जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनमें उनको सिर्फ ऑप्शन मिलेंगे और उन ऑप्शन का सिर्फ उनको एक जवाब देना है. तो हमारा जो पहला सवाल आपसे है,
वो है आपका फेवरेट एक्टर कौन है, ऋतिक रोशन या अक्षय कुमार? दोनों ही अपने आप में एक जाने माने और एक अच्छे कलाकार है, राइट? हां, टोटली डिफिकल्ट क्वेश्चन नो डाउट, बट अगर आप दोनों में से ऑप्शन पूछेंगे तो मैं ऋतिक को चूज करूंगी, ऑफ कोर्स, या ऋतिक रोशन। ओके, सो हमारा सेकंड सवाल ये है कि फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन है आपकी, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा? ऑफ कोर्स नो डाउट प्रियंका चोपड़ा, आखिर उन्होंने बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक में अपनी पहचान बनाई है और यू नो, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और अभी उनका एक नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है हॉलीवुड का। सो ट्रू। ओके, सो थर्ड वन क्वेश्चन इज कि आपके फेवरेट डायरेक्टर? राजकुमार सर और चलिए हमारा अगला सवाल आपसे, आपका ड्रीम रोल, अगर बाजीराव मस्तानी में आपको संजय सर अगर आपको ऑफर करते कि आपको मस्तानी का कैरेक्टर करना है या काशी भाई का, तो आप किसे चुनते? काशी का ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है और आमतौर पर हमारी जिंदगी ऐसी होती नहीं है, राइट? तो आपको जब इस तरीके के कैरेक्टर मिलते हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, जो कि स्क्रीन पर स्क्रिप्ट पर लिखा गया और उसे स्क्रीन पर वो ला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि दोनों ही कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं काशी को चूज। वेरी नाइस। टेढ़ी मेढ़ी बातों का सफर है बस अब यहीं पर हमारा समाप्त होने जा रहा है, तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है और उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो उन आने वाले एक्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं बस यही कहना चाहूँगी उन दर्शकों को, उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आकर के अपने आप का एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कि इस इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी यू नो ऑडिशंस, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, आप नरेशंस, आपको कभी लगता है कि अभी आपको कल ही ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फिर आपको पता लगता है कि आपको वो नहीं मिला, यू नो, तो आप कभी कभी बहुत नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो उन चीजों से आप कभी नेगेटिव नहीं हो, कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में ना हर स्टेप पर आपको जब कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो हर एक टाइम पे अपने आप को पॉलिश करते हैं आप। ऑडिशन, कुछ लोग ऑडिशन देने से कतराते हैं कि शायद ऑडिशन देने से कुछ नहीं होता, या बट मुझे लगता है ऑडिशन देने से आपकी स्किल्स भी और इम्प्रूव होती है। आप किस चीज में आपकी कमी है या वो उसमें नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव कर पाते हैं, राइट? लेकिन कभी कभी आपको कुछ ऐसे भी लोगों का सामना करना पड़ जाता है कि जो आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं होता है, कि आपसे जब इस तरीके की कोई बात करता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो, तो अपने आपको इतना स्ट्रांग करना चाहिए और ऐसा बनाना चाहिए कि आप उन लोगों को सही तरीके से जवाब दे पाए, सही तरीके से अपनी बात को समझा पाए। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में यू नो नेगेटिव वे में कि बहुत कि सभी हीरोइनों के साथ ऐसे होता है, सभी आपके डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में आपके पास ऑप्शन होते हैं जो कि आप शायद कुछ और, जैसे कि मैं आर्मी में जाना चाहती थी, लेकिन इस इंडस्ट्री में आई, आने के बाद मैंने एक फिल्म की, उसके बाद जब मेरी दूसरी मीटिंग किसी निर्देशक और प्रोड्यूसर के साथ में हुई, तो मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इतनी वेल एजुकेटेड हूँ, मैंने ऑलरेडी इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो मैं ये सब बकवास क्यों किसी की सुनूं, राइट? उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को फिल्म करने के बाद छोड़ ही दिया था, जो कि मेरा ड्रीम था इस फिल्म को करने के बाद कि अब मुझे यही करना है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था जब मैं शूट कर रही थी और मैंने अपनी फैमिली के साथ थिएटर में फिल्म देखी, लोगों के साथ, लोगों का फीडबैक, इतना लोगों ने मुझे प्यार किया इस फिल्म के बाद, मेरी खुद की एक पहचान बनी। वो सब चीजें छोड़ने के बाद, सिर्फ कुछ चंद लोगों से मिलने के बाद आपका ड्रीम ही चेंज हो गया हो, तो ऐसी चीजों से लेकर के आप कभी इस प्लेस को, इंडस्ट्री को छोड़े नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को सही जवाब दें, आप जो करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि आप उन सभी इस इंडस्ट्री के अलावा आप जहां पर भी जॉब करते हैं या काम करते हैं, आप जिसके लिए
बचपन से लेके 22 25 26 साल तक आप स्ट्रगल करते पढ़ाई करते आपको जो करना होता है वो जब हासिल कर लेते तो वहां पे भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं आपके कॉर्पोरेट में आपके बिजनेस में यू नो एवरीवेयर यहाँ पे इस तरीके के लोग हर जगह होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता है, इधर यू हैव टू लीव दिस जॉब इधर यू हैव टू कंटिन्यू व्हाट दे वांट फ्रॉम यू राइट। बट इस इंडस्ट्री में आपके पास ऑप्शन होता है कि ये ठीक नहीं है तो वो तो ठीक है, आप चूज कर सकते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, आपको कोई फोर्स नहीं करता। तो बेटर आपको जो करना है आप अच्छे लोगों से मिले, यहाँ अच्छे लोग भी हैं खराब लोग भी हैं, तो ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं हर जगह पर है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए इतना अपने दिमाग में गंदगी फैलाई हुई है कि यहाँ के लोग सिर्फ ऐसे होते हैं, तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, बाहर की दुनिया में लोगों को पता नहीं लगता है। इस यहाँ पे मीडिया और यू नो सेलिब्रिटीज ये सब लाइमलाइट में रहते हैं, तो आम जनता तक हमारा सिस्टम को लगता है कि यहाँ पे ये सब होता है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी फैमिलीज में पूछिए, आपकी बेटियों को आपके बेटों को क्या उनको ये सब फेस नहीं करना पड़ता है? तो ये सारी सिचुएशन हर जगह पर होती है, लेकिन इंडस्ट्री में लाइमलाइट की वजह से मीडिया की वजह से लोगों को पता होता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है राइट। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया और इस इंडस्ट्री में वापस आई, अपना काम स्टार्ट किया कंटिन्यू, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग नंबर ऑफ सीरीज एल्बम सॉन्ग्स एंड फिल्म्स। तो जिंदगी में कभी भी आपको धक्का लगता है तो मत भूलें, आप एक कदम ऊपर जाते हैं, धक्के से कभी पीछे नहीं आता इंसान राइट। सो आए इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करें और अपनी एक पहचान बनाए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, आपने जो इतना प्रेशियस और इतना शानदार मैसेज हमारी ऑडियंस को दिया जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों घबराइए नहीं, अपने सपनों को फॉलो कीजिए, अपनी उमंगों को जगाए रखिए और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हर वो कोशिश कीजिए जिससे आपके अचीवमेंट पूरे होते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस एपिसोड में आपसे, बने रहिए आपके दोस्त देव धीमन के साथ, आपका दोस्त आप ही का होस्ट ऑन टेढ़ी मेढ़ी बातें। ज्योति जी हमारे शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि आपके आने वाली फिल्में भी उसी तरह सक्सेसफुल हो जैसी आपकी पर से प्यार और पर से परवार हुई। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू एंड आई होप यू गाइस विल लाइक माय अदर प्रोजेक्ट्स एंड वर्क। थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते अगले शनिवार को फिर एक सेलिब्रिटी के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेढ़ी मेढ़ी बातों पे।